भीम की गदा ने जब दुर्योधन की जंघा को विदीर्ण कर दिया, कौरवों का पूरा विनाश हो गया, पांडवों ने विजय दिवस घोषित कर दिया। रात्रि के समय सायंकाल दुर्योधन कहारता पीड़ित रणभूमि के समर में पड़ा हुआ है, अस्तोत्थामा लुकता छिपता हुआ दुर्योधन के पास पहुंच गए। दुर्योधन, हमने तुम्हारा नमक खाया है, और बताओ क्या करें, तुम्हारे लिए क्या उपकार करें। दुर्योधन कहता है, अस्तोत्थामा मुझे और कोई चिंता नहीं, बस एक ही चिंता है। क्या? हम 100 भाई थे, एक भी नहीं बचे। पांडव 5 भाई थे, एक भी नहीं गए। बस यही चिंता सता रही है। ओ, अस्तोत्थामा कहता, एक भाई की बात, लो हम तुम्हें 5 भाइयों का सर लेकर के आएंगे। हमने तुम्हारा नमक खाया, हम प्रतिज्ञा लेते हैं, तुम चिंता मत करो। फिर क्या था, पहुंच गया अस्तोत्थामा। देखो, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। आज महाभारत में विजय प्राप्ति हो गई पांडवों की, तो भगवान पता है क्या बोले, युधिष्ठिर अर्जुन एक काम करते हैं, आज विजय की रात्रि है, आज यहां नहीं कहीं बाहर चल करके महोत्सव मनाते हैं। आहा, भगवान 5 पांडवों को लेकर के चले गए, लेकिन पांडव जहां लेटा करते थे वहां 5 पांडवों के 5 पुत्र जो पांडव दिखने जैसे ही थे वो लेट गए। अस्तोत्थामा ने सोचा, पांडवों से लड़ना तो मुश्किल है क्योंकि महाभारत जैसा समर हरा दिया, और देखो विजय भी क्यों ना हो, जिसके साथ सत्य लिखा हो, सत्य हो, परमात्मा हो, प्रभु हो, भला उसे कौन हरा सकता है। जगत में हारता वही है जिसके साथ गोविंद नहीं है, भगवान नहीं है वो जगत में हार जाता है, और वो विजय को प्राप्त कर जाता है जिसके साथ हमारे ठाकुर रहते हैं। पांडवों को भगवान लेकर चले गए। अस्तोत्थामा ने एक विधि अपनाई जिसका नाम है उलूकन्यास विधि। एक रात्रि काल में एक वृक्ष पर बहुत सारे कौवा बैठे थे। रात में उल्लू को दिखाई देता पर कौओं को दिखाई नहीं देता। उल्लू ने रात्रि में हमला कर दिया, सारे कौवा मारे गए। अस्तोत्थामा ने भी इसी विधि को बनाया। क्या किया अस्तोत्थामा ने, सोते हुए पांडवों को मारने का विचार किया, पर पांडव तो चले गए थे, उनके पुत्र लेटे हुए थे, और अस्तोत्थामा ने लेटे हुए जो दिखने में पांडव जैसे ही थे 5 पांडव पुत्रों को मार दिया, और 5 का सिर हाथ में लिया, एक हाथ में 3 और एक हाथ में 2, और पहुंच गया दुर्योधन के पास। दुर्योधन हांफते हुए, तुम कहते थे ना कि मेरा एक ही दुख है, एक पांडव का भी सिर मिल जाए तो मुझे मृत्यु चैन से हो जाए, चैन मिलेगा। देख, मैं 5 पांडवों को मार करके ले आया। हो, चौंक गया दुर्योधन। हो, 5 पांडव, हद हो गई। महाभारत जैसे समर में बड़े बड़े रण योद्धा भीष्म पितामह जैसे टिके नहीं, तुमने 5 पांडवों को मार दिया। अस्तोत्थामा, अरे हम अस्तोत्थामा है ना, गुमान कर बैठे अस्तोत्थामा। लेकिन जब जैसे ही दुर्योधन ने नजदीक से देखा, चिघाड़ पड़ा दुर्योधन। ओ, अरे अस्तोत्थामा बैरी, तूने ये क्या किया? क्यों? अरे ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं, जिनको तू मार करके ले आया ना, अब इससे यह निश्चित हो गया हमारे वंश में कोई पानी देने के लिए नहीं बचा। इन बेचारे नन्हे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था, बड़ा घात किया तूने, बड़ा घात किया। और अंत तो गत्वा,
दुर्योधन मर गया महाभारत के समर में। अश्वत्थामा को पता लगा कि पांडव जीवित हैं, मतलब हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, भाग लिया। इधर सुबह हुई और द्रौपदी ने पांचों बेटों को धड़ को देखा, सिर को अलग देखा तो रो पड़ी मैया द्रौपदी। अपने शिशुओं का बद देख करके अधैर्य हो गई मां द्रौपदी। माता शिशूनाम निधिनम सुतानाम निसम्य घोरम परितप्यमानः परितप्यमानः। मां द्रौपदी अर्जुन आ गए, गांडीव हाथ में लिया अर्जुन ने धनुष, प्रतिज्ञा कर ली द्रौपदी मैं पांचों भाइयों के सामने प्रतिज्ञा लेता हूं, जब तक शिशु के मारने वाले का वध नहीं कर दूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। गांडीव उठाया, रथ पर आरूढ़ हो गए, भगवान सारथी बने, भगवान मुस्कुरा रहे। देखो, मुस्कुराना सीखना है तो गोविंद से सीखो, ये हमेशा हर हाल में मुस्कुराते। चला रथ, अश्वत्थामा आगे आगे, अर्जुन पीछे पीछे। अश्वत्थामा ने बचाव के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, अर्जुन कांप गया, महाराज क्या करें ब्रह्मास्त्र। अरे अर्जुन तुम्हारे पास भी तो ब्रह्मास्त्र है, तुम भी छोड़ो। अर्जुन ने छोड़ा, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए। भगवान ने सोचा वो भयंकर तड़कन से पृथ्वी में कोई बदलाव ना हो, अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र को शांत कराकर वापस बुलाए। वापस बुला लिया, अश्वत्थामा को बांध लिया। भगवान ने तो कहा अर्जुन वध कर दो, इसका मार दो। अर्जुन बोले नहीं, फिर इस द्रौपदी के सामने मारेंगे। ले गए बांधकर, और जैसे ही ले गए और सामने रखा, तलवार निकाली, बद करने ही वाले थे कि द्रौपदी मैया ने रोक दिया। ठहरो महाराज, इसका बद मत करो। अरे क्यों? एक तो ये ब्राह्मण है, दूसरा तुम्हारे गुरु का बेटा है, द्रोणाचार्य का बेटा है। इनकी मां का नाम कृपी है, द्रोणाचार्य तो महाभारत जैसे समर में शरीर छोड़ चुके, अब यही बेटा उनकी मां को बचा है। अगर ये भी मर जाएगा तो मां पर बेचारी पर क्या बीतेगी। एक तो ब्राह्मण, ऊपर से गुरु का बेटा, मत मारो। युधिष्ठिर भी बोले हां ठीक है मत मारो, लेकिन भगवान मुस्कुरा दिए। भगवान बोले अर्जुन मारना तो छोड़ रहे, पर प्रतिज्ञा क्या क्या करोगे? संकल्प भी तो लिया, वध नहीं कर दूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं कर, क्षत्रिय हो, क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे, प्रतिज्ञा का भी तो पालन करो। अब आप ही बताओ भगवान हम करें क्या, हम तो फंस गए। एक तरफ ज्येष्ठ जेठे भाई का आदेश है, ध्यान रखिएगा, ज्येष्ठ भ्राता पितृ समा, जेठा भाई पिता के समान होता है। अब आप बताएं करें क्या। भगवान एक सुंदर श्लोक बोले, ब्रह्म बंधुर नहन्तव्या आतताई बधारणा। लो बोले अर्जुन, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, पर आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन हाथ जोड़ के बोले, महाराज आप आज तक सीधा नहीं बोले, हमेशा टेढ़ा बोले। एक तरफ कह रहे ब्राह्मण को मत मारो, दूसरी तरफ कह रहे आतताई को छोड़ो, अब आप बताओ मारे के छोड़े, एक कुछ बोलो। भगवान बोले, भाई गीता का उपदेश किसने लिया? अर्जुन बोले हमने। बोले चेला कौन है? बोले हम। बोले बेटा पढ़ाई किसने की? बोले हमने। तो बोले परीक्षा दे करके बताओ। आहा अर्जुन समझ गए, अरे बोले गुरुजी हम भी आपके ही तो चेला हैं,
अब समझ में आ गया। बोले आपने ही गीता में कहा है माननीय व्यक्ति का वध नहीं करना चाहिए, उसका अपमान ही मृत्यु तुल्य है, जितनी बार अपमान को वो स्मरण करेगा उतनी बार मरता ही चला जाएगा। आ फिर क्या था, भगवान मुस्कुरा गए और अश्वत्थामा के सिर में मणि थी, सिर से मणि को निकाल करके समर से धक्का दे करके भगा दिया। अश्वत्थामा उस अभिमान का बदला लेने के लिए पांडवों की पुत्र वधू थी जिसका नाम था उत्तरा देवी, जो अभिमन्यु की पत्नी थी। अभिमन्यु तो महाभारत के समर में वीरगति को प्राप्त हुए, उनको एक गर्भ था, गर्भ छोड़ करके वीरगति को प्राप्त भए। अश्वत्थामा ने सोचा वो गर्भ मर जाएगा तो इनका वंश ही विनाश हो जावेगा, इसलिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उसी समय भगवान पांडवों से विदा लेकर के द्वारका जा रहे थे, एक पैर रथ पर रखे थे, एक हाथ से रथ को पकड़े थे, मुस्कुराते हुए भगवान खड़े थे अभय मुद्रा में। इतने में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा दौड़ी दौड़ी चली आई, पाही पाही महायोगेन देव देव जगत पति नान्यं त्वयद् भयं पश्ये इत्रमित्तु परस्परम्। अरे भगवान हमारी रक्षा करो, पाही माम पाही माम पाही माम करते हुए उत्तरा देवी चली आई, भगवान के चरणों में गिर गई। क्या हुआ देवी? अरे ये तो पांडवों की पुत्र वधू है, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही? महाराज कोई हमारे गर्भ को नष्ट करना चाहता है। ओ अब शब्द शैली सुनना उत्तरा देवी की, महाराज हमारा गर्भ भली पूर्वक सुरक्षित रहे, हमारे प्राण भले ही चले जाए, यही प्रार्थना है। देखो शब्द शैली बड़ी सुंदर, क्या कहना चाहती, गर्भ सुरक्षित हो जाए, हमारे प्राण भले ही चले जाए, वैसे भी विधवापन हमें बार बार खा रहा है। अब गर्भ तभी सुरक्षित होगा जब माताजी सुरक्षित होगी। शायद उत्तरा देवी ये मांगती कि महाराज हमें कुछ ना हो, गर्भ भले ही मर जाए तो भगवान ऐसी कोई लीला करते हैं, पर गर्भ सुरक्षित रहे मतलब दोनों को सुरक्षित रखना है, तत्क्षण देरी का काम नहीं है। फिर भगवान ने क्या किया, भगवान अंगूठा बराबर रूप धारण करके उत्तरा देवी के गर्भ में जाकर के पहुंच गए। ये भारत की माता जी है, कई माताओं ने अपने गर्भ में भक्तों का तो पालन पोषण किया है, पर ये पहली एक ऐसी देवी है जिन्होंने परम भागवत भक्त इनकी कोख में परीक्षित पल रहे हैं उन्हें भी रखा और भगवान भक्त और भगवान दोनों को रख लिया। ऐसी माँ है, हमारे भारत की नारी साधारण नहीं है, जो भक्त और भगवान दोनों, जो भगवान कभी गर्भ में नहीं आते। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्ति का मान ना टलते देखा। भक्त का मान बचाने के लिए जो कभी गर्भ में नहीं आते वो भगवान गर्भ में पहुंच गए और गर्भ में ही परीक्षित जी को दर्शन मिल गए। ओहो कोई तपन से हमें ज्वर पहुंचा रहा था परीक्षित जी को, और उसी समय एक चक्र से दर्शन धारी आए और इतनी शीतलता आ गई कि कहना ही क्या है। भगवान ब्रह्मास्त्र से बचा करके बाहर आए, अब पूछने लगे देवी अब तो नहीं जलन हो रही है? महाराज अब नहीं हो रही, मुस्कुरा दिए भगवान। भगवान चले गए, कालांतर में उन्हीं देवी के गर्भ से एक बालक हुआ जिसका पहले नाम विष्णु रात रखा गया, परंतु भविष्य में ये क्या करते थे कि इधर उधर देखते ही रहते थे, टकटकी लगाए, जिसे देखें देखते ही रहे। देख क्यों रहे थे,
ये देख रहे थे कि जो हमारे गर्भ में श्याम सुंदर चक्रसुर दर्शनधारी बचाने आए हैं वो अब कहां चले गए हैं, इसलिए इनका नाम परीक्षति सा परीक्षता, जो यत्र तत्र देख रहे इनका नाम परम भागवत परीक्षित रख दिया। बोलो परीक्षित महाराज की जय हो।